अच्छू, यहाँ बाहर क्यों बैठा है? सब ठीक तो है ना अंशु? अंशु क्या हुआ बेटा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्या बात है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं, बता ना, सब ठीक है ना? माँ वो कल रिजल्ट। रिजल्ट? कल रिजल्ट है और तू मुझे अब बता रहा है अंशु? पहले बता देना चाहिए था ना बेटा, कम से कम तेरे बाबूजी से बात तो करती, अब तो वो सो भी गए। नहीं नहीं माँ, उन्हें मत बताइए, प्लीज माँ उन्हें मत बताइए। पर अंशु रिजल्ट लेने तो वही जाएंगे ना? नहीं नहीं माँ, आप चलिएगा, बाबूजी नहीं, प्लीज माँ आप प्लीज। गुड मॉर्निंग। अरे एक्सक्यूज मी गुप्ता जी, आपके पास कौन सा फोन है? मैं अपने फोन का चार्जर एक्चुअली घर पर भूल गया हूँ। सर मेरा फोन अलग है। हो आप प्लीज एक काम कीजिए, जरा पता करवाएंगे कि किसी के पास सेम फोन का चार्जर हो। एक्चुअली दिन अभी शुरू हुआ है और मेरी फोन की बैटरी बहुत लो है। जी सर मैं अभी पूछता हूँ। जी गुड मॉर्निंग मुन्ना। अच्छा हो बेटा तुम आगे, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। हमारे वकील साहब और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों का फोन आया था बेटा। उनका ये कहना है कि यूरोप इस समय आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और इसका बहुत बुरा असर हमारे धंधे पर पड़ सकता है। लेकिन बाबूजी हमने यूरोपियन मार्केट में तो कितना कुछ इन्वेस्ट किया है। हाँ बेटा जानता हूँ, इससे पहले की स्थिति और बिगड़ जाए हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं हमें जल्द से जल्द डिलीवर कर देने चाहिए। और इसी सिलसिले में आज ही जयपुर जाओ, सिसोदिया साहब से बात करो, समझाओ उन्हें और यहाँ का काम निपटाओ। तब तक मैं दद्दा जी से बात करता हूँ। बड़ी माँ दही। ये ले, दही चीनी खा, सब शुभ शुभ होगा। अच्छा ये खाने से शुभ होता है तो मुझे और खिला दीजिए। अंशु बेटा ऐसा लोग कहते हैं, होगा वही जो होना है। रिजल्ट के लिए तैयार हो? डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं तो सुने ना, हम ऑफिस पहुंच के गाड़ी भिजवा दें। जी दिवर जी आप नहीं जा रहे? नहीं भाभी, आज दफ्तर में दिल्ली से कुछ सरकारी लोग आने वाले हैं, हम सबका वहां रहना जरूरी है। अच्छा अंशु बेटा अभी हम चलते हैं, लेकिन हमें खुशखबरी का इंतजार रहेगा। जी जी आते हैं हम, चलो हमें। जी बहू कुछ चाहिए क्या? भूख लगी है? नहीं माँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? हलवा, तुम्हारा मन था ना? माँ मैंने तो ऐसे ही। नहीं नहीं, नहीं बेटा, इस हालत में जो मन करे वो खा लेना चाहिए। माँ आप परेशान लग रही हैं, बताइए ना माँ। अरे ये क्या, नैतिक आज टिफिन नहीं लेकर गए? इसी बात को तो लेकर परेशान हूँ बेटा। मुन्ना जब छोटा था तब भी खाने को लेकर परेशान किया करता था और अब भी। नैतिक आजकल ऑफिस में बहुत बिजी है ना, शायद इसीलिए। लेकिन इतना काम क्या करना कि इंसान को खाने का समय ही ना मिले, ना नाश्ता ना खाना, इस तरह तो बीमार पड़ जाएगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे कह दूंगी। बहू मुन्ना के पास वक्त कहाँ है बेटा बात करने को, सारे समय तो काम करता रहता है। जब छोटा था ना तो मैं उसके स्कूल चले जाया करती थी टिफिन लेकर, अपने सामने बिठाकर खिलाती थी, लेकिन अब दफ्तर कैसे जाऊं? माँ अगर आपको ठीक लगे तो मैं चली जाऊं। मतलब वो अपना वो चार्जर, फोन का चार्जर भी ऊपर ही भूल गए हैं, उनको काफी दिक्कत आ रही होगी काम में, तो मैं दोनों चीजें लेकर चली जाऊं। मैं आपसे यही पूछने आई थी। मैं जाऊं माँ?